श्री वीर तेजाजी महाराज के नाम पर प्रदेश सरकार में बोर्ड का गठन करने की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसकी मांग कर चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख चुके हैं। वहीं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के वित्त विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा ने भी लोक देवता तेजाजी महाराज के नाम पर बोर्ड बनाने की मांग की है। फर्स्ट इंडिया ने पवन गोदारा से बात की और जाना कि इस मांग का क्या महत्व है। हाल ही में तेजाजी बोर्ड के गठन की मांग पुरजोर शब्दों में उठी है। हमारे साथ हैं ओबीसी निगम के चेयरमैन पवन गोदारा, हम उनसे बात करेंगे। पवन जी, आपने मांग उठाई है, क्या लगता है कि सरकार को इस दिशा में सकारात्मक फैसला लेना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार हर वर्ग को, हर वर्ग को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। तो वीर तेजाजी महाराज इस राजस्थान के लोक देवता हैं, जिनमें हर वर्ग की आस्था है। समाज का हर वर्ग, हर कौम उनको मानती है, किसान कौम के वो आराध्य देव हैं। तो निश्चित तौर पर, चूंकि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग का चेयरमैन हूं, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जब जब हम राजस्थान में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो किसान वर्ग के साथी हमसे मिलते हैं, वो मांग करते हैं कि वीर तेजाजी बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कि जो किसान वर्ग के लोग हैं उनके हितार्थ नवीन योजनाएं बनाई जा सकें और जो लोक देवता के प्रति हम सबकी जो आस्था है उस आस्था को एक मूर्त रूप दिया जा सके। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमने सरकार से मांग की और सरकार का भी इस पर रुख सकारात्मक रहेगा। हाल ही में भी सचिन पायलट ने भी डिमांड की थी, उससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मांग को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार को पत्र लिखे हैं। पवन जी, सवाल ये उठता है कि किस तरह से आप इस पूरे मांग को देखते हैं, क्योंकि एक समुदाय विशेष की मांग नहीं बल्कि ये जन भावना की मांग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें आई है देश में और राजस्थान में, अशोक गहलोत जी की सरकार 98 में मुख्यमंत्री बने, पिछली बार मुख्यमंत्री बने, इस बार भी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी का हर फैसला जन भावना के अनुरूप ही होता है। हर वर्ग को, हर कैटेगरी को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें फैसला लेती हैं। तो निश्चित तौर पर लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जो आस्था है, इनका जो समाज में धार्मिक जो महत्व है, वो हर वर्ग में है, किसान वर्ग में है, किसान कौम में है, हर कमेरी मजदूर वर्ग में इनका गहरी आस्था हर वर्ग की है। तो जन भावना का एक जो इन लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का जन भावना से जो गहरा जुड़ाव है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार, क्योंकि हम देखेंगे कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को, हर जन भावना को ध्यान रखा है। अब हम बात करें फ्लैगशिप योजनाओं की, चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने लाई, तो निश्चित तौर पर वो समाज के हर अंग का ध्यान रखने की बात है। पिछले राज में निःशुल्क दवा योजना की बात थी, इस बार हम देखें कि गौ सेवा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वीर तेजाजी महाराज एक सच्चे गौ सेवक भी थे, तो कांग्रेस की सरकार ने लगभग 225 करोड़ रुपए गौ सेवा के नाम पर अनुदान दिया है इस बार। तो हम देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार सदैव जन भावना का सम्मान करती है। पवन जी ने अपने मन की बात कही है और ये बताया है कि अगर ये बोर्ड का गठन होता है तो निश्चित तौर पर इस बोर्ड के जरिए न केवल किसान वर्ग बल्कि पिछड़े वर्ग की भावना का सम्मान रखा जाएगा और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम किए जा सकेंगे। और जिस तरह के इनपुट्स हैं, लगता यही है कि सरकार इस दिशा में बहुत गंभीर है और अगले बजट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये घोषणा हो जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट विजय करण के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।